अभी जो यहाँ पर भाईचारे का प्रदर्शन हुआ है, खतरनाक टू अनदर लेवल. आई वॉज एक्चुअली लाइक वाओ, दैट्स वॉट यू कॉल ब्रो कोड. विल टॉक अबाउट इट. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट इट. माय नेम इज आकृति. वेलकम टू माय शो. विद मी राइट नाउ द ए टीम, द ए लिस्टर, द बॉयज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कॉन्टेंट क्रिएशन एंड मच मच मोर. सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठे, लेकिन एग्जैक्टली एक मिनट पहले इकट्ठे गायब. व्हाई डिड यू गाइस ऑल ऑफ यू गोस्टेड मी टुगेदर? ठीक है, मैं बाथरूम गया, ठीक है, तो हमें लगा हमें भी आ रहा है. ऐसा नहीं है, उसको करवा के लेके आते हैं यार. कैरी अकेला, कैरी मेरे को पकड़ के लेके चलते हैं. कैरी मेरे को 15 मिनट से बोल रहा है भाई चले क्या, कुछ खा के आते हैं, चले क्या. तो मैं बोला नहीं, एक इंटरव्यू के बाद, एक इंटरव्यू के बाद. हाँ. मैं बस गया, मेरे पीछे पीछे आ गया. नाम मेरा खराब है, इतना गिल्ट फील हुआ है ना. लड़ाइयां लड़नी है, वॉर करना है, ये भाईचारा चल रहा है, वो वही लड़ेंगे ना. वही फाइट मोड ऑन है या नहीं? प्ले ग्राउंड सीजन 2 गाइज, ऑल ऑफ देम आर अप एंड रेडी. लेट मी आस्क द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. झगड़ा, फाइट मोड ऑन, सेट, रेडी? हाँ, मैं तो पीट के आया था इन सबको भी. हाँ, अभी अभी मेकअप तो छुपाया इन्होंने अपने. डू यू गाइस अग्री? नहीं, 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 तभी ये टच अप सर पीट के आया अपना. हमें नहीं पीट गया. नाइस वन, नाइस. ओके, सो ऑन दैट नोट, इट्स एन इंटरेस्टिंग फॉर्मेट, ऑब्वियसली मजेदार, और चुन चुन के आप लोगों को लाया गया है, बट ऑब्वियस रीजंस की वजह से. प्लेग्राउंड के बारे में हमें पता है, प्लेग्राउंड पे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे ये भी हमें पता है, बट आई वांट टू नो योर, तुम लोगों का प्लेग्राउंड. अगर मैं लाइफ में तुम्हें पीछे लेकर जाऊं, तुम्हें तुम्हारे प्लेग्राउंड पे लेकर जाऊं, तुम्हारे प्लेग्राउंड में क्या चल रहा था? इफ यू टॉक अबाउट मी, मैं छुपन छुपा एक्सपर्ट थी, दैट वाज माय प्लेग्राउंड. बचपन में क्रिकेट खेलता था तो विकेट कीपर बना देते थे सारे सी बड़े लोग खेलते. उसका दुख है या इट वाज गुड? हां, काइंड ऑफ दुख उस वक्त था, अब तो नहीं है. ओके, तो वो क्या होता था, वो हमसे बड़े थे सारे, तो वो विकेट कीपर बना देते थे, सिर्फ बॉल पकड़ने का काम था. उसके बाद जब हमारा खेलने वाला टाइम आया तो पार्क को रेनोवेट करके पार्किंग लॉट बना दिया, अपार्टमेंट से पार्क ही उड़ा दिया. तो हम अपने लेजेंड घर के सामने छोटा सा जीना था, बस उसमें वन टिप वन हैंड कैच आउट वाला खेल है क्रिकेट, उसके अलावा खेल ही नहीं. ये लकी है, इसको बड़े विकेट कीपर बनाते थे, मेरे को बड़े नाली से बॉल निकालने का. नाली से भाई इंक्लूडेड था उसमें, छत पे बॉल गई तो छत पे से बॉल लेके आएगा, क्योंकि मैं छोटा सा था ना, मैं टाप टूप के चला जाता था. हां, ये था बाहर के, तू ही छोटा सा था, मतलब क्या होता है? नो नो, देयर सम फायर. नो नो, दिस इज, वी कीप डूइंग दिस. हां, ये करते रहते हैं, वेरी कूल, हमें यही देखना है. मेरा तो ये प्लेग्राउंड था कि नाली से बॉल निकालना, मुझे मैंने तो वहीं करा है, वहीं मैं उसका कैप्टन बना हूं, नाली से बॉल निकालने वाला. नाली से बॉल, यही है मेरा अपना बात है. टीम भी ऐसी निकाली तूने, बड़ी कैरी नाली से निकाल ली. कैरी, व्हाट वाज योर प्लेग्राउंड लाइक? हमारे लिए सब है, मतलब सारे खेल खेले, हाइड एंड सीक, छुपन छुप, हाइड एंड सीक, क्रिकेट, फिर एक ऊंच नीच का पापड़ा करके गेम. ओए हां, राइट राइट राइट. उसमें क्या होता है? ऊंच नीच का पापड़ा, ऐसे दो वो है प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, और जो बीच का फ्लोर है ना, फॉर एग्जाम्पल समझ ले यहाँ एक घर है, यहाँ एक घर है, ठीक है ना, और सामने रोड है. तो जो डिनर होगा वो रोड के बीच में होगा, ठीक है ना, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, डिनर कह रहा हूँ, वो जो डिनर लगा, अबे डिनर ही कहते हैं उसको, उसको डिनर लगा, वो खाने का, वहाँ पे डिनर नहीं, रोड के बीच, जो बीच डिनर, अबे रोड वो वैसे ऊंच नीच का पापड़ा, ऊंच मांगे नीच. हाँ, तो वो ऐसे इधर उधर एक से जाना पड़ता था, और वो छू, अगर छू दिया ना डिनर तो तुम आउट हो गए. आइस वाटर हो गया, छुआछूत की बीमारी होगी, बहुत सारे गेम्स हम तो सब खेलते थे. छुआछूत की बीमारी, आई एम सो सॉरी, बचपन में ये कौन सी गेम खेल रहे हो तुम लोग? हमने तो खेली है भाई, हमने तो खेली है. क्या बात कर रहे हो, बहुत खेली है. छुआछूत, इट वाज ऑल बॉयज और बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर. ऐसे करते थे, अगर मैं तेरे को यहाँ पे छू लू तो तू ये छू के भागेगा, पकड़ा तूने और तू भागेगा. हाँ, और लड़के तेरे भी कहाँ कहाँ छूते थे. अबे एक बार मैं लड़के को गया था ऐसे, समझा भाई, समझा ना यार, समझ ना यहाँ, मैंने 13 साल का थोड़ी था, अरे बोल दिया यहाँ मैंने तेरे रखा, तो तू ऐसे रख के करेगा, ऐसे रख के भागेगा तू. वाओ, मजा आ गया, दैट वाज वेरी पिक्चर. वो कौन सी गेम होती थी आप लोग के इधर, क्या बोलते थे वो, हम लोग 7 टिकड़ी बोलते थे, 7 टिकड़ी एक लगाना, पिट्ठू पिट्ठू, बॉल से मारते थे, बॉल से मारते थे, पिट्ठू वो मैंने इतना नहीं खेला. अरे वो बहुत मजा आता है, सबसे मजा आता है. स्टॉप एंड पार्टी था, पकड़ा पकड़ी था, स्टॉप एंड पकड़ा ही तो एक ही, टेंपो गैलरी, कोकोनट था, कोकोनट खेला, बाकी लोग छुपना. मैं रिलेट कर पा रहा हूं उसके सारे नाम से ना, ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब उस प्लेग्राउंड से इस प्लेग्राउंड में, सुपर स्टफ गाइस.
Now I want to really know from you, आप लोग एक दूसरे को कितना personally, कितना ज़्यादा और कितना ज़्यादा जानते हो? मतलब किसको कौन, किसको कितने सालों से कितना जानता है? I guess मैं आशीष को सबसे पहले से जानता हूँ क्योंकि 2016 हाँ 15 in fact 15 okay. ना 15 okay. almost कितने हो गए हर 8 साल से 7-8 साल हो गए okay so मोटा मोटा लगा ले 8 to 10 years and been in the industry know of each other yeah. very well हर्ष एंड आई नो ईच अदर फ्रॉम 8 उसके बाद कैरी ने स्टार्ट किया था फिर कैरी से बाद आई नो ईच अदर फ्रॉम 6 इयर्स बस सालों तुमसे पहले स्टार्ट किया कैरी ने सबसे पहले फेमस हमारे बाद चालू काफी टाइम लगा था होने में बड़ा तुम हम तुमसे पहले आए थे हां पहले हमारी बातचीत भी हो गई अरे नहीं नहीं कैरी ने भी 2014 राइट नहीं अरे नहीं 16 अबे मैं 2009 से कर रहा हूं अबे 2009 यार Now you're watching the real boys fight. Trigger 14, 15. Okay, okay, okay. Trigger 5, Trigger 5. I've known them for like last 1.5 years. 1.5 years? Scout and Metton. I and Scout have been knowing for a long time. I also know them for a long time. So basically there is our camaraderie if I say. Yariyan hai. Pyar bhi. Bilkul, bilkul. Mera jab first time million subscriber cross hua tha, the first person to call me was Kairi. Wow. And he was the first time we talked. Randomly, it's like, Ashish, congratulations. Why RJ, log kar liya karo, kabhi congratulate yaar. So on that note, I want to know, kiske liye is samay sabse bada competition khullam khulla lag raha hai? Who is the one jisko lag raha hai, ye mera bada competition hai, aur kisko ye lag raha hai, ye mera competition us level pe nahi hai, jis level pe mujhe lagta hai. Come on, boys, give me stuff. Ayush, mere ko nahi lagta utna competition. Player ki baat kar rahe hain na. स्काउट मेरे लिए बढ़िया कॉम्पिटिशन का नाम नहीं ले पाएंगे ओके और बाकी अभी पता नहीं मैं वही कह रहा हूँ गेम खेल मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि लोगों को गेम मेरे को नहीं पता ना किसकी क्या क्या वो करेगी बट देखते हैं गेम खेल के पता लगेगा मेरे लिए आई थिंक सबसे बड़ा अभी मैं बोलूँ तो पहले तो ट्रिगर्ड है फिर स्काउट है फिर ये है मेरे लिए सबसे एक्चुअली बड़ा पहले कैरी की टीम है फिर स्काउट की टीम है फिर ट्रिगर्ड और देन नर्स सो परफेक्ट वी हैव द लिस्ट नाउ वी आर गोइंग टू डू द फन स्टफ बॉल पकड़ो भाई ओके कैच ये सवाल है जिसका जवाब आप अपने इन चार दोस्तों में से चुन के देंगे जिन पे आप जिसको जो भी आपका आंसर है यू विल थ्रो द बॉल एट दैट पर्सन एंड से व्हाई डू यू थिंक सो And the other person will justify if your assumption is right. Are we set? Are we ready, boys? को थोड़ी लड़ाने की यहाँ पर कोशिश. Excited होगी हर्ष के तो पहले okay game. Okay. Triggered. Who do you think will get married first? मतलब आज नहीं तो कल. शहनाई बजने वाली है. ओए. इतनी तेज़ नहीं आने का मुंह पे लगा के लेगी. इतनी जोर से बज रही है शहनाई. Okay. Why do you think so? पता नहीं. Feeling है. Feeling सही है गलत है. भाई ऐसे कुछ feeling नहीं है. शादी कब होगी जल्दी है रियलिटी मिल जाती है होने वाली की नहीं ओके फ्री टाइम में घर में सब्जी खरीदने कौन जाता है जिसको आलू टिंडे तुरई प्याज बैंगन सब तो कोई नहीं जाता कोई नहीं कोई नहीं जाता फिर वेम गेस ओके अगर फैमिली गाय कैसे देखा जाए ना तो आशीष हां मैं जा रहा हूं हां सब्जी रेट वेट पता है ना अभी प्याज व्याज महंगा है आलू सस्ता है सब पता बाकी दिन तो ये मेरा फॉर आशीष चंचलानी डोंट गाइस मजाक नहीं है काफी काम है ये कौन आपको लगता है कि बाथरूम में रोता है मतलब सबके सामने तो मेरे को ही फेंकेंगे पता ही था इमोशनल है ऐसा नहीं है वो सबके सामने भी रो लेता है सबके सामने रो बाथरूम में जरूर मेरे ख्याल से हम सब इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑल ऑफ यू लाइक यू गिव अ ब्रेव फ्रंट वी ऑल आर इमोशनल स्काउट का मेरे को नहीं मालूम ये इमोशंस कैसे हाइड करता है क्या बट इतना जितना मैं इन चारों को तीनों को जानता हूं तो या आई नो स्काउट तो अभी थोड़ा चेंज हुआ है पहले से इमोशनल था पहले नहीं नहीं तो अभी हुआ है पहले हार्डकोर था ये अच्छा वो तो लगता ही था मेरे को ऐसा था मैं लास्ट रोया हूं जब लाइक मैं खुद से हार जाता था ओह दैट वाज अब नहीं होने वाला कुछ अब तब नहीं तो ऐसे नहीं निकलता बड़े दुख भरी बातें हो गई बहुत भयंकर कह दिया यार ट्रिगर किसकी लव लाइफ सबसे रंगीन है मुझे कैसे पता मेरी लव लाइफ तुम बंदे यू नो लव लाइफ भी होगी What do you say? Okay, I agree. Agree? I agree. I am smiling. Harsh ki bandiyan rangi. Bandiyan kya hota hai? Bandiyan kya hota hai?
कौन मम्मा का बॉय है तू लेवल की एक डट पे चुप बैठ जाता होगा आज भी? अरे यार ट्रिगर्ड सबका आंसर मैं हूँ. नहीं, हर एक चीज बहुत स्वीट है. यार ऐसे मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, आई एम जस्ट वेरी ऑनेस्ट. कैरी भर मेरे को स्ट्रिक्ट कैसे हुआ यार मैं? जो सबको ऐसे लग रहा होगा ना ये बढ़िया है ग्रीन बजर, उसमें भी दिखा देगा कि क्यों ये क्यों है, ये क्यों ये है, कैसे करा आपने? अरे ये बेफालतू में बजर दबा देते हैं और कोई बात नहीं है, बंदे ने बॉटल फ्लिप कर दी, बजर दबा दिया. ये कहता है भाई बॉटल फ्लिप मत बोलना भाई, वो छोड़ के मैं कल को बोलूंगा सिक्का उछाल यहाँ रख दे. सम सीरियस स्ट्रेस हियर. ओके कैरी, कौन आपको ऐसा लगता है कि दूसरों से बिल भरवाता होगा? दूसरों से बिल भरवाता होगा? हां कि भाई यार मैं सही बताऊं, मेरे पास पैसे नहीं है, कार्ड नहीं है, मतलब अच्छा, पैसे हैं बट जनरली कैरी नहीं करते, बट दैट्स ऐसा कोई नहीं एक्चुअली, सब पीछे सब दिलदार है, सब दिलदार. ऑन दैट नोट गाइस, पूरी कोशिश थी लड़ाई करवाने की हुई इसमें, इधर है इसमें सब कोई, इधर झगड़ा उल्टा होता है, मैं भरता हूं, ये ऐसे हम पांचों से डन. ये पूछ लो कि बिल सबसे ज्यादा भरता कौन है? हाँ. चलो ये पूछ ले, बिल सबसे ज्यादा भरता आशु, वो आशु ये सबसे ज्यादा भरता कैसे होता है? मल्टीप्लेक्स है, मेरा बड़ा मन करता है सबको ऐसा सबके साथ पार्टी करने का. हम लोग ढिंडोरा के इस पे भी गए थे शूट पे, तो रात को भुवन थक गया था, भुवन को घर जाना था, तो मैंने बोला मैं ही एक पार्टी रख लेता हूँ. तो हमने कैसा बहुत बड़ा स्वीट बुक किया, सारे यूट्यूबर्स वहां पे, हमने किसी ने किया, मैंने मतलब मैं कैरी हर्ष मेरी टीम हर्ष की टीम ये सो गया था, ठीक है, मैंने इसको भी इनवाइट किया था, बुआ मैंने कहा कुछ राउंड टू हेल, पूरा हम लोग ने एक साथ सबने पार्टी की. वाओ मुझे अच्छा लगता है करना. इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन नहीं, होस्ट है, नहीं इस वो सिचुएशन आनी भी तो चाहिए ना लाइफ में, व्हेन यू लाइक तुम्हारा बर्थडे तुम्हारी एनिवर्सरी तुम्हारी नहीं है, इसकी एक बहुत तगड़ी सर्विस है. कौन सी सर्विस है तेरी? जीजा जी सर, जीजा जी सर. हम लोग का इधर उल्लासनगर में बहुत हम लोग ये टर्म यूज करते हैं, जीजा जी सर्विस. शादी पे जीजा जी आते हैं ना, जीजा जी क्या कहेंगे, जीजा जी बैठेंगे, वैसे करता है जीजा जी. जीजा जी सर्विस बोलते हैं. ओके आशीष, किसके बैंक अकाउंट में सबसे ज्यादा पैसे हैं अभी? नहीं किसके बैंक अकाउंट में सबसे ज्यादा पैसे? डू यू एग्री? थैंक्स ट्रिगर्ड 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 स्ट्रीम कर रहा है, ट्रिगर्ड स्ट्रीम कर रहा है रोज, इसको जो कॉन्करेंट व्यूअरशिप आ रही है ना, एडसेंस से ही बंदा घर खरीदा है, नजर नहीं लगे, टचवुड हैप्पी फॉर यू, बट सबसे ज्यादा पैसे ये मेरे को भी नहीं पता था. मैं सोशल ब्लेड पे देखता है, सोशल ब्लेड पे देखता है के किसकी कितनी अर्निंग है एक साल में. ट्रिगर्ड कौन ऐसा इंसान है कि कहीं बाहर भसड़ होती है, पंगे राड़े में फंसते हो, जिसको फोन लगाओगे वो फोन उठा के ऐसे बोला भाई किसको मारना है और भाई 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 ऐसे करते, हु वुड यू कॉल? कैच कर लियो इसमें बहुत जोर से, विल यू एग्री? रात क्या आता है दिमाग में? काली 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 रात काली होती है, काली होती है सही बात, रात लाल होती है, हर्ष की रंग ये होती है. अच्छे से सबको आशीष की बात नहीं हो रही है. ओके कैरी, ट्रोल्स, गिफ्ट, गिफ्ट यस एक्सप्लेन करना चाहेंगे, गिफ्ट भाई बड़ी डीप बात आने वाली है, डीप आने अभी एलियंस बात करेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे कैरेक्टर को बोल रहे हैं ना यार, तो वो भी तो एक तरीके से उसको बहुत फन वे में लेना चाहिए, तो मेरे को तो बहुत मजा आता है. अच्छा यू लव एट देम मोस्टली, बट एट देम मस्ट बी सम पॉइंट जब अननोइंग करते हो. नहीं मेरे को लगता है कि हम सब एंजॉय करते हैं अपने ट्रोल्स. अच्छा, बहुत मजा आता है. अभी सब नंब हो गए, अभी सच्ची में एग्जैक्टली वो होता है ना, किसी एक बच्चे को मारते रहोगे और वो
थर हो जाएगा तो मार ले भाई अब क्या करेगा मार ले मेरे को पीट ले प्लीज आप लोग जो मेहनत मशक्कत करके ट्रोल करने में लगे हुए हो नाउ यू सी द रिएक्शन अब हमें मजा इसमें आता है कि अब कौन कौन सी यूनिक चीज बोल सकता है जो अभी तक नहीं बोला ये तो सुन चुके हैं हां कुछ नया है बहुत मजा आता है बहुत रिपीट हो गया कभी भी मिलता है क्या कमेंट ओ भाई ये क्रिएटिविटी लगा इसमें आशीष दिल तो बच्चा है जी धड़कने तो हाँ ठीक है ओके गुड कैरी रही लाइन बोली थी थोड़े दिन पहले क्यों भाई कैरी मतलब बहुत सम वेरी हार्डफुल कैरी ऐसे इन जनरल से लाइफ की बातें कर रहा था उसने बोल दिया दिल तो बच्चा है क्या करे दाढ़ी मूछ लगा लो कितनी भी ये तो बच्चा ही है ही इज द क्यूटेस्ट नो डाउट अबाउट इट स्काउट अवार्ड्स अवार्ड्स फेक That's why he's क्या मैं क्या मैं क्या मैं दर्द की आवाज सुन रही हूँ क्या मैं दर्द सुन रही हूँ दर्द नहीं 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 बिल्कुल नहीं खुश है उसका कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं अब मतलब In general, मतलब सबसे पहले वही आता ना दिमाग अवार्ड क्योंकि मैं फील करता हूँ जितने नॉमिनीज होते हैं सब लोग वेल डिजर्विंग है सबके सब तो एक अवार्ड से आप जज नहीं कर सकते बाकी लोग Okay, one last question I want to ask, but I want a really, really heartfelt answer here. Life ke playground mein, bahut mehnat mashakkat karte hue aap log upar aaye. You have done a lot. Content creation se bhi aage, bahut sari cheezein dikhai de rahe. Zindagi ke battlefield mein bolo, zindagi ke playground mein. इतना funny हो गया ना. Zindagi ke playground mein, ठीक है निकल गई. Okay, let's go. Life ke playground mein, of course, yahan to hum dekhenge. We'll watch it all and we know it all. We are seeing the playouts, tryouts and all that jazz. Life ke playground mein, कौन सा कोई एक ऐसा mode था when you guys really, really felt कि ये game छोड़ के निकल जाना चाहिए. But you stayed and you played and you won. Any one moment लंबे आंसर हो जाएंगे इसके तो बहुत लंबे लंबे आंसर बहुत लंबे लंबे आंसर ट्राई एंड यू नो पुट एनी आंसर इन गेमिंग रिलेटेड गेम का ही बोल देता हूं कुछ भी वन वन लाइन में बोल दे वन लाइन आई स्टार्टेड प्लेइंग एल्डन रिंग स्टार्ट करी और पहले बॉस को 2 घंटे तक ट्राई करता रहा मारने का नहीं मारा गेम डिलीट कर दी अगले दिन फिर से इंस्टॉल करी फिर खेली फिर डिलीट करी फिर अगले दिन फिर डाली और फिर उसके बाद मेरे हिसाब से ना कि ये मूवमेंट कोई पर्टिकुलर एक मूवमेंट नहीं है कि आया जब लगा कि कुछ क्विट करना है छोड़ना है ये आते रहते हैं हाँ नहीं एक सेकंड दो लाइन और है ये आते रहते हैं ये आगे भी आएंगे और यही है और हम सोच लेंगे ना कि अब नहीं आएंगे अब तो सब शॉर्ट हो गया जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है लाइफ यही है आगे आएंगे आते और रहेंगे और अब बस आपको मोटिवेट रहना आगे बढ़ना है दैट्स इट अब फुल स्टॉप नहीं नहीं द रीजन आई वांटेड टू नो बिकॉज यू गाइस आर इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल जब आप अपने कोई मोमेंट पॉइंट आउट करते हो ना दैट स्टेज विद अ लॉट ऑफ पीपल सो दैट्स माय एंटायर पर्पस हम मोमेंट स्पेसिफिकली नहीं पॉइंट आउट मोमेंट कर देंगे तो फिर वो बहुत लोगों के लिए और लोगों के लिए पर्सनल चीजें हो जाएंगी तो नहीं वो उतना बट पर्सपेक्टिव की बात है ना कि अगर आप किसी मोमेंट से गुजरते हो आपको ये भी सोचना बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है मेरे साथ कि मैं सोचता हूँ अकेला शायद मैं ही इस चीज में फंसा हूँ लेकिन जब आप बात करते हो लोगों से आपको लगता हो सब एक्चुअली उसी चीज में फंसे और हम मेरे को लगता है कि हमारी प्रॉब्लम ना बहुत छोटी है और हम तब भी परेशान हो जाते हैं और लोगों की उससे ही बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो तब भी निराश नहीं होते और हम तो इतने अच्छे लेवल पे इतना अच्छा कर रहे हैं कमा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं तो छोटी छोटी प्रॉब्लम ना मैटर नहीं करती ये देखो औरों की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और वो तब भी उस चीज को टैकल करता है तो हमें भी करना चाहिए उस चीज से टैकल हाँ मेरे लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया था जब मेरे डैड ने बोला कि यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दिस आप पैसे नहीं कमा रहे हो ऑल दो आई कम फ्रॉम अ वेरी गुड वेल टू डू फैमिली बट मुझे हमेशा से खुद से ही कुछ करना था सो आई हैड नो अदर ऑप्शन लेफ्ट बट टू जॉइन हिम इन हिज बिजनेस बट आई वॉज नॉट हैप्पी सो दैट वॉज वो खालीपन को पूरा करने के लिए मैंने वापस कॉन्टेंट ही बनाया अपने आप की खुशी के लिए वो करते गया करते गया करते गया फाइनली पेड ऑफ इट पेड ऑफ आफ्टर 4 इयर्स सुपर चीयर्स टू दैट या स्काउट मतलब मैं कंपीट करता था पहले तो एक पॉइंट पे मैं लाइक मैं छोड़ने वाला था कंपटीशन खाली स्ट्रीमिंग करने वाला था सो दिस वाज द गाय जिसने मेरे को रोका कि भाई तू कंपीट करते रहे तो उसके बाद मैंने वो चीज़ कंटिन्यू किया एंड आई किल्ड इट इन चाइना तो वो मेरे लिए हर टाइम याद आया कि हाँ मैं एक पॉइंट पे छोड़ने वाला था बट एक मेरे ही दोस्त ने मेरे को रोका कि नहीं ब्रो तू कर सकता है एंड आई डिड इट एंड आई किल्ड इट सुपर स्टफ So it's time to say bye to them, but not before because we have thodi emo conversation bhi ki hai and all the boys are together. They'll be fighting it out in the playground season 2, but of course, but yahan pe thoda sa, are you ready for the surprise? I mean, will you be game? Then it'll be fun. One song
जो आप यू नो वुड यू वांट टू डेडिकेट टू बॉयहुड बॉयज टुगेदर एंड द बॉय सॉन्ग द बॉयज का सॉन्ग करंटली जो ट्रेंड कर रहे हैं वो हम पांचों के लिए बेस्ट नहीं ऐसे शॉर्टकट में नहीं चलेगा नहीं नहीं ये सच आज इंटरव्यू बचे ये नहीं इंटरव्यू ये बेस्ट है आई आई नहीं स्काउट का दोस्त बता रहा था कि स्काउट ऐसे कितने 30 से 40 दिन में 30 से 40 मोमेंट द बॉयज वाले मोमेंट्स देता है आराम से ही हैजंट लुक्ड एट मी इवन वंस अरे कॉन्वर्स चल रहा है ना तो मैं देख रहा हूं क्या बातें स्काउट ऐसा आप टेंशन मत करो सबके साथ ऐसा वो वाला के आग झपकाने वाला कंपटीशन करवा दो अरे ऑक्शन में भी ये है ऑक्शन में इसको ये थोड़ा अपने जोन में रहता है इसने मना कर दिया गया था नहीं मैं बोला मैं रोना ले लूं हां सो गाइस चीयर्स वेल डन थैंक यू सो मच फॉर वॉच ऑल द एक्शन इन प्लेग्राउंड सीजन 2 दैट्स आकृति साइनिंग आउट Thank you. That was a really good conversation. Thank you, guys. Thank you so much.